कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद हमारी और हमारे बीच समारोह के कड़ी में भाग लेते हुए हमारे और आपने जो अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे साथियों को आशीर्वाद दिया। सदस्यों की कड़ी बहुत लंबी है लेकिन समय अभाव में अब मैं चाहूंगा मैं उन साथियों का भी अभिवादन करता हूं जो अपने अपने कार्यों में व्यस्तता के कारण यहां पर उपलब्ध नहीं है, उनका ही आशीर्वाद यहां प्राप्त रहेगा। मेरे मन से ये हमारी परंपरा रही है और हमारी संस्कृति रही है कि हम जाति विहीन वर्ग विहीन समाज जो है डूबते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज की उपासना करते हैं और उसे ही प्रार्थना करता है कि भगवान सब प्रति सद्बुद्धि दे कि समाज विधिक वर्ग स्वच्छ मानव स्वस्थ मानव बनाने की हम सब लोग पूरे रूप से मेहनत करें। देखा गया है कि सुरक्षित घाट नहीं है, इसके कारण छठव्रतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार जल जमाव के कारण और ये बाढ़ की स्थिति के कारण घाटों की लगभग खराब स्थिति है और ये स्थिति सुधारी गई है। बहुत सारे घाट को भी खतरनाक घाट भी घोषित किया गया है लेकिन अभी वार्ड 72 में तो खैर सभी घाट अच्छे हैं, 10 घाट है और बाकी सभी जगह भी अच्छा बनाया जा रहा है, लगभग कम्प्लीट है। देखिए बिहार में छठ पूजा का अपना महत्व है, इसके शुद्धता शुचिता के कारण हम लोग एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं, इसमें छोटे बड़े सब लोग एक साथ मिलकर त्यौहार में, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। हिंदुस्तान का पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है और हम लोग उसके द्वारा एक संदेश भी देना चाहते हैं समाज को कि जिस तरह से स्वच्छता अभी बनाए रखते हैं सालों भर इसको रखें जो समाज सुखी और सम्पन्न हो। शुरू से हम लोग की प्रार्थना यही है कि सबको सुखी और संपन्न रखें, मेरी यही शुभकामना। मेरा नाम सचिन शेखर पटना। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।